तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल सेमेस्टर टू, ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश सेमेस्टर टू का क्वेश्चन पेपर है, जो कि झारखंड के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फुल मार्क्स 100 है, पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। ठीक है दोस्तों, समय 3 घंटा दिया जाएगा, जैसा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है। अब देखिए, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेना है। और अगर लक अच्छा रहा, किस्मत अच्छा रहा, तो बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, ठीक है, और भिड़ेंगे, ज़रूर भिड़ेंगे। मैंने 3 पेपर अपलोड कर दिया ये मिला के, और एक पेपर है उसको मैं कल सुबह तक कर दूंगा अपलोड। तो एग्ज़ाम से पहले सब पेपर आप लोग देख लीजिएगा, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बहुत सारा भिड़ जाएगा, तो अच्छा ही रहेगा। चलिए देखते हैं। पेपर में ग्रुप ए ग्रुप बी करके बांटा गया है। ग्रुप ए में 10 एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, फिर 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और मैं समझाने का थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश ठीक से पढ़ना नहीं आता होगा और लिखना भी नहीं आता होगा, ठीक है, क्योंकि मालूम है यार, आप लोग सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, और क्या बताएं, ये कंपलसरी करके ना बहुत ख़राब किया है, ऐसे में बहुत कम बच्चा पास कर पाएगा। चलिए जो भी है, अभी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। पहला है, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप स्मोक का यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज होगा, वो पूछा गया है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग होगा, ठीक है, क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग होगा। द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्मोक स्टॉप स्मोक एंड टेक ट्रिप, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, तो स्मोकिंग होता है, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू आवर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का यूज हो जाएगा, वर्ब 4 का स्मोक का हो जाएगा स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, बियर खैनी क्या क्या होता है, सुट्टा सिगरेट वगैरह, मैं नहीं करता हूँ। आगे देखते हैं, तो है करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जो है वाइक को करेक्ट करना है, सही करना है, यहाँ पे गलत दिया गया है। सेंटेंस क्या है, एवरीबडी आर रेडी, यही सेंटेंस है, एवरीबडी आर रेडी। तो दोस्तों एवरीबडी के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है, सभी कोई रेडी है, प्रत्येक जो है हर कोई तैयार है, इसका हिंदी हो जाएगा हर कोई तैयार है, एवरीबडी इज रेडी होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एवरीबडी, एवरी वन, ईच वन या फिर ईच, इन सब के पास जो है, इन सब के साथ ईच का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि चेंज द वॉइस, वॉइस में बदलना है। द फूड वाज कुक्ड बाय द शेफ, ठीक है, तो इसको वॉइस में बदलिए, तो वॉइस में क्या हो जाएगा, द शेफ कुक्ड द फूड, बस सिंपल सा है। तो आपका एक क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आएगा, एक क्वेश्चन नरेशन से आएगा, एक क्वेश्चन वर्ब से आएगा, एक क्वेश्चन आर्टिकल से आएगा, ठीक है, एक वो साइनोनिम रहेगा, एक वो एंटोनिम रहेगा, और ये 10 क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, और एक ही आपका सेंटेंस ज्वाइन करने का रहेगा। तो जैसे है कि दैट वाज द सिली जोक एवर, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, ठीक है, तो दैट वाज द सिली जोक एवर, तो यहाँ पे सिली का सिली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यही आपका सेम हो जाएगा, राइट, सिली। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर, यहाँ पे सॉरी 6 नंबर है यार, कि जॉइंट द सेंटेंस, ठीक है, वाइक को यहाँ पे जोड़ना है। यार इतना मच्छर काट रहा है, क्या बताएं, पैर सब में काट रहा है, पूरा ऊपर से नीचे तब तो कपड़ा ही पहने हैं, फिर भी। इट वाज द फॉक्स, इट वाज चेंजिंग रैबिट, सॉरी चेसिंग रैबिट, ठीक है, तो चेसिंग रैबिट इसका मतलब है कि आई साव द फॉक्स, मैंने एक लोमड़ी को देखा, इट वाज चेसिंग रैबिट, जो एक खरगोश का पीछा कर रहा था। तो इसको ज्वाइंट करेंगे तो क्या होगा, आई साव द फॉक्स चेसिंग ही चाहे चेसिंग द रैबिट, आई साव द फॉक्स चेसिंग द रैबिट ही चेसिंग द रैबिट, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छा से और सुधार लेना है, क्योंकि मैंने उतना अच्छा से, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको प्रॉपर नहीं किया है, बाकी एक बार देख लीजिएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है, कहीं कोचिंग वोचिंग लिया नहीं है, जो भी है खुद से है, ठीक है, तो इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यार। राइट द अपोजिट ऑफ अनकाउंट, ठीक है, तो अनकाउंट किसका क्या हो जाएगा,
पॉलिश्ड, ठीक है, अनकाउट पॉलिश्ड हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब कि एंटोनिम। फिर है आपका सिनोनिम ऑफ मॉडेस्ट, तो मॉडेस्ट मतलब होता है आपका दयावान व्यक्ति, उसको हम लोग हम्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम्बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला है 9 नंबर कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। अब देखिए संज्ञा का सही रूप लिखना है, यहाँ पे है द टीचर टू, द टीचर टू, अरे ये भाई साहब रुको ना, द टीचर टू एज अस, सॉरी द टीचर टू अस अ न्यू पोएम, ठीक है, यहाँ पे पोएट्री नहीं होगा, पोएम हो जाएगा, तो पोएम फिलअप कर दीजिएगा। देखिए ये टीच का ही रूप है, टीच का ही रूप है, टीच का पास्ट फॉर्म है टो। आगे देखते हैं, तो अगला है कि फिल एप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखिए दोस्तों आर्टिकल ए एन दो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें रहेंगे। देखिए इसमें है कि आई ब्रॉड मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, आई ब्रॉड पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेंस, ठीक है, तो मैंने आपके जो है पेंसिल और पेन से एक पेन उधार ले लिया है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ए अगर ए क्या बोलते हैं ए आई ओ ए यू जो आता है ना, एक मिनट रुको यार मैं परेशान हो जाता हूँ मच्छर करके, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये अगर आपके वॉयल्स का साउंड आएगा तो आपको एन का प्रयोग लगाना है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का प्रयोग, और किसी बड़े बड़े जगह पे द का प्रयोग, तो इन सबको यूज करके देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन का, कहाँ पे द का, एंड आपको इतना आना ही चाहिए, ग्रेजुएशन में अब जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर है कि राइट अ शॉर्ट नोट इन 120 वर्ड ऑन क्लाइमेट चेंजिंग। दोस्तों क्लाइमेट चेंज के बारे में 120 शब्दों में आंसर करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा इतना अगर आप कर लेते हैं तो, ठीक है। तो पर्यावरण परिवर्तन या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग, मैं एक दो टॉपिक बता दे रहा हूँ, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब टॉपिक पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका पूछ लिया जाए, अभी जो हाल फिलहाल में आया अंतरिक्ष सैटेलाइट, इसके बारे में चंद्रयान 3, इन सब के बारे में आ सकता है। और एक क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट इन 120 वर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस, तो यहाँ पे बोला गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब होता है घरेलू हिंसा, जब आप अपने वाइफ को 2 झाप मार दीजिएगा तो वो हो जाएगा घरेलू हिंसा, और फिर आपको कैश ठोक देंगी, फिर आपको जेल खटना पड़ेगा, तो इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है, तो ये होता है घरेलू हिंसा, ये डोमेस्टिक वायलेंस इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको 120 शब्द लिखना है कि क्यों होता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए मैं कोई पूर्व धारणा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा कॉमेडी के टाइप के लिए आपका प्रयोग कर देता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे अब आपके जो है ग्रुप बी 80 मार्क्स का होता है, इसमें आपको 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, ठीक है, इसमें 2 को पैसेज है और बाकी सभी रिटर्न करने के क्वेश्चन हैं, तो 2 को पैसेज है 20-20 मार्क्स का, पहला पैसेज आपका बहुत ही ईजी रहेगा, दूसरा पैसेज हार्ड रहेगा, तो पहला पैसेज देखिए ये जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है, तो पैसेज को मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा पैसेज है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है सब सिखाता है पैसेज। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, एसेंस मतलब होता है सार, जीवन का सार क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का हमारा सार क्या है जी। देखिए यहाँ पे है एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेसियस, टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, टाइम जो है, समय जो है जीवन का सार है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बी नंबर, देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूज इट्स यूटिलिटी, ठीक है, तो कौन जो है इसकी यूटिलिटी को कम कर देता है, उपयोगिता को कम कर देता है, काम की उपयोगिता को। देखिए दोस्तों काम की उपयोगिता कब कम होती है, जब आप टाइम पे काम नहीं करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका बरसात होने का है सावन महीना में और बरसात हो रहा है आसीन में, ठीक है, भादो या फिर आसीन में, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम जो है सावन में होगी तभी खेती होगा। उसी तरह से मान लीजिए एक एज होती है मेरिट की, ठीक है, 21 to 24 तक ज़्यादा बेटर होता है,
अब अगर 32 में अगर आप कर रहे हैं ठीक है, तो ये आपका ओवरेज हो जाएगा 32 35, तो इसको क्या बोलेगा 40 ईयर। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि सही उपयोग नहीं हो रहा है समय का। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे, देखिए आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन व्हेन द टाइम इज पास्ट द डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन द वर्क लूज इट्स इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू। तो अगर आप समय का जो है उपयोग समय सीमा के अंदर नहीं करते हैं, कोई भी कार्य समय सीमा के अंदर नहीं करते हैं, सही उचित समय में नहीं करते हैं, तो वह जो है अपनी उपयोगिता खो देती है। ठीक है, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया, इसी तरह से आपको भी एक बार पढ़ लेना है। अगला है, व्हाट इज नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो सही समय का मैनेजमेंट के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए सी नंबर का यहाँ पे मैंने किया है आंसर, कहाँ गया ये सी का भाई साहब, कहाँ गए जी ये सी नंबर, देखिए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि देयर फॉर, देयर फॉर मतलब इसलिए, देयर इज ग्रेट नीड टू मैनेज टाइम। ठीक है, अरे यार, देयर फॉर ग्रेट नीड टू मैनेज टाइम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ग्रेट नीड महान आपकी ज़रूरतें होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। एक मिनट यार, सच में अब मुझे मच्छरदानी के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं आगे, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन डी नंबर, कि व्हाट काइंड ऑफ पीपुल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ। तो किस प्रकार के जो आदमी होते हैं ना, अपने जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। ठीक है, तो कौन आदमी सफलता के द्वार खोलता है, जो आदमी क्या करता है, जो आदमी जो है उचित समय में, मतलब समय को बर्बाद नहीं करता है, सही रूप से डायरेक्टली बोले तो, पीपल हु नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट। वह आदमी जो जानता है कि मेरे समय का सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओपन द डोर ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ्स। ठीक है, तो यह आपका आंसर यहाँ तक हो जाता है। एंड दोज हु मिसेस टाइम गेट फेलियर। तो अगर आप टाइम का मिस यूज करेंगे तो फेलियर होगा, टाइम का अच्छा यूज करेंगे तो सक्सेस होंगे। ठीक है, तो जो आदमी जानता है कि टाइम का कैसा उपयोग करना है, वह सफलता के द्वार को खोल लेता है। इसी तरह से ई नंबर है, कि व्हेन डज द वर्क लूज इट्स इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू। तो कब काम, देखिए जब अगर उचित समय में काम नहीं करेंगे तो वह अपना वैल्यू खो देता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 25 तक नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, 25 एक एज काफ़ी बड़ा एज होता है, नहीं निकाल पा रहे हैं, 26 27 28 मान लीजिए आपने तैयारी शुरू किया 21 साल में, ठीक है, और आप कब ले रहे हैं जॉब, यहाँ पर ले रहे हैं आप 30 में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 30 जब पूरा ही दे रहे हैं, 9 साल एग्ज़ाम की तैयारी में लगा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है आपका। ठीक है, ऐसा तैयारी मत कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं तो बोलूँगा कि गवर्नमेंट सर्विस के चक्कर में मत पड़िए यार, प्राइवेट वगैरह लीजिए। हाँ, 1 साल ट्राई कर सकते हैं, 2 साल ट्राई कीजिए, 2 साल से ज़्यादा एक भी 1 घंटा भी नहीं दीजिए 2 साल से ज़्यादा, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो झोला झपाटी उठाइए और कोई दूसरा काम देखिए यार, बिजनेस कीजिए सबसे बेटर है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी आपका फैसला हो, आपकी पैर आपका कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए, मैं केवल राय दे सकता हूँ। एफ नंबर है, कि हु हैज़ लर्न द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ। ठीक है, तो किसने कहा जीवन के मूल मंत्र को, ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे एफ नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हैज़ लर्न, एक आदमी जो सीख चुका है कि वाइजली यूज हिज टाइम एंड हैज अंडरस्टूड हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम हैज एक्चुअली लर्न ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ। तो जिसने सीख लिया है कि हमें अपने समय का कहाँ और किस तरह से उचित उपयोग करना चाहिए, वह जो है लाइफ के सही मंत्र को जान लिया है। ठीक है, अब देखिए जी नंबर है, यहाँ पे बोला गया है कि पैसेज में इस सब वर्ड्स का किस किस रूप में प्रयोग हुआ है, उसको यहाँ पे देखना है। तो देख लीजिए, इंटेलिजेंसी है, गेट है, रिक्वायर्ड है और लिमिटेशंस है। इसको फाइंड आउट करना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आगे देख लेते हैं, तो एच नंबर है, यहाँ पे बोला गया है कि राइट अ प्रेसिस ऑफ द पैराग्राफ। प्रेसिस मतलब होता है कि इस जितना भी पैराग्राफ पढ़ें उसका समरी दे दीजिए आप, एक छोटा सा सार दे दीजिए। ठीक है,
यानी कि एक जितना वर्ड है पैसेज को उसी को एक शॉर्ट भाषा में लिख दीजिए, छोटे से लगभग 50 वर्ड में पूरा का पूरा पैसेज को फिर से एक बार अपने शब्दों में लिख दीजिए आप, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर जो आएगा पैसेज, दूसरा पैसेज, यह थोड़ा सा टफ रहेगा, यह चकरा देगा आपको, पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। रीजनिंग लेवल थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा क्योंकि इसमें भ्रमित करेगा आपको, ठीक है, छकाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है मिरर के बारे में, आयना के बारे में इस पैसेज में, और मिरर यानी कि आयना आरसी के बारे में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप जब पढ़ेंगे अनुमान लगाएंगे तब लगेगा, कह रहे यार ये तो आरसी के बारे में बात कर रहा है। जैसे आई हैव नो प्रेकॉन्सेप्शन, अरे भाई साहब प्रेकॉन्सेप्शन हु सेज दिस, तो राइट आंसर हो जाएगा मिरर, मिरर, ठीक है। और यह किसके, मिरर बाय लिखा गया है साल्विया प्लेथ के द्वारा, ठीक है। मतलब एक पैसेज जो रहेगा ना पूरा आपको रुला देगा, इतना टफ क्वेश्चन दे देगा एक दूसरा पैसेज। अगला है कि व्हाई डज द मिरर से आई एम नॉट क्रूवेल ओनली ट्रूथफुल, मिरर क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे मिरर है आईना है, मिरर क्या बोलता है कि मैं जो है क्रूर नहीं हूँ, मैं केवल सत्य बता देता हूँ यार। और इट रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इट रिफ्लेक्ट द रियल पिक्चर, ठीक, ऑफ व्हाट इज सीज, तो आईना क्या बताता है, जो चीज़ देखता है उसी को सच सच बता देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इस तरह से आपका जो है पूरा का पूरा पैसेज डिफाइन किया गया है, इस तरह से आपके टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 10 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे जे तक। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ये आपका 20 मार्क्स का है, और इसमें बोला गया है कि योर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल फेस्टिवल रिसेंटली, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट, तो आपका कॉलेज जो है एक फेस्टिवल रिकॉग्नाइज किया है, मतलब एक समारोह आयोजित किया है, उसके बारे में आपको 250 शब्दों में एक नोट लिखना है, ठीक है, रिपोर्ट लिखना है। तो इसको दो पन्ना अगर दोनों साइड में लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, दो खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 7 नंबर देख लेते हैं, तो यहाँ पे है आपका कि राइट अ पैराग्राफ इन 250 वर्ड, ठीक, ऑन योर फेवरेट ऑथर, तो अपने फेवरेट ऑथर के बारे में कितने लिखने हैं, 250 शब्दों में। देखिए यहाँ पे फेवरेट ऑथर मतलब लेखक जो आपका प्रिय लेखक है, जैसे मेरे प्रिय लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, फेमस राइटर के बारे में आ सकता है, फेमस आपका लीडर के बारे में आ सकता है, फेमस नेता, ठीक है, फेमस पॉलिटिशियन, फिर आ सकता है फेमस आपका स्पोर्ट पर्सन, आपके जो प्रिय खिलाड़ी हैं उसके बारे में आ सकता है, फेमस बुक के बारे में आ सकता है, फेमस फेस्टिवल के बारे में आ सकता है, तो एक आपका क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। आगे देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखने आएगा आपका, ठीक है, कि टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आपको एक लेटर लिखना है कि ड्राइविंग द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट इन योर लोकेलिटीज़, तो आपके जो मोहल्ला है, ठीक है, वहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट जो होता है ना रात में बढ़ता है जो लाइट लोग, ठीक, पोलकुटा वगैरह में लगाया जाता है, तो उन लाइट्स की कमी हो गई है और आपको न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है, एक लेटर लिखना है जिससे जो है अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो। यार सच बताएं तो अधिकारी लोग बहुत ज़्यादा घमंडी है झारखंड में, आप कभी साइन कराने जाइए BDO से, चाहे CO से कहे, SDO से, चाहे वो सिंपली क्या बोलते हैं उसको पटवारी जो होता है ना, राजस्व कर्मचारी, उससे साइन करवाइए, देखिए बेटा क्या डिमांड करता है, 500 रुपया दो तो ये दो फलना ढिमका। मैंने बात करके देखा है BDO से भी CO से भी, तो उनका भाव भाव से पता चलता है, ठीक है, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे करप्ट हैं झारखंड में, अब क्या बताएं आप लोग खुद जानते ही हैं। अगला है प्रिपेयर योर बायोडाटा, क्योंकि झारखंड में मैक्सिमम क्या हैं आप लोग जानते हैं ना कौन है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये लोग हैं, ठीक है, और ये लोग को अब धीरे धीरे यहाँ से निष्कासित करना है, मतलब आउट ऑफ स्टेट के लोगों को धीरे धीरे निकालना है, यार क्या करें हम लोग बहुत पीछे हैं झारखंड के लोग। अगला है प्रिपेयर अ बायोडाटा, देखिए दोस्तों एक बायोडाटा या फिर एक रिज्यूम के बारे आपको लिखने को आ सकता है या फिर ईमेल लिखने को आ सकता है, ठीक है, इस तरह से एक बायोडाटा रिज्यूम या ईमेल लिखने को आएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह से मैं आपको पेपर देता रहता हूँ। देखिए इस पेपर का PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा।
एंड क्या बताएं, इसके बाद जितना भी पेपर होगा आपका, एमजे पेपर, मेजर पेपर, ठीक है, आईआरसी पेपर, आईबीएस पेपर, उसके बाद क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर, सब मैं अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस एंड आपके ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। एक और एक सेट है मेरे पास, उसको मैं सुबह अपलोड कर दूंगा अगर टाइमिंग मिला तो, ठीक है, कोशिश करूंगा। एंड आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपने भरोसे में दीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, ये तरीका उनके लिए है जो इंग्लिश में बिल्कुल डब्बा गोल है, जो इंग्लिश पढ़ने भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे आप में से होंगे ना, सच्चाई तो सच्चाई है जी, जो इंग्लिश जो है बहुत आदमी रीड करने भी नहीं जानता होगा, ठीक है। तो जिनको रीडिंग भी नहीं आता है अच्छे से, उनके लिए क्या है, क्या करना है आपको, एग्ज़ाम कैसे पास कीजिएगा, देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। और पढ़े भी नहीं है तो उनको डेफिनेटली दिक्कत होगा। आप लोग जो है व्हाट्सएप में टेक्स्ट करते हैं ना, किसी को मैसेज करते हैं ना, जैसे कि हाय लिख दिए, ठीक, तो वो भी बोलता है हाय, उसके बाद लिखते हैं तुम कैसे हो, तो इस तरह से तुम लिखता है, तो तुम का जगह यू का प्रयोग कीजिएगा, कैसे का, फिर जिसका आपको नहीं मालूम होगा उसको कैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए बायोडाटा लिखना है, तो बायोडाटा तो एक दो को वीडियो देख लीजिएगा, और जिसका आंसर आप पैसेज का दोगे रहेगा, पैसेज में 20-20 मार्क्स का है, तो उसमें आप खोज खाज के 12 से 15 मार्क्स तो ले ही आते हैंगे, ठीक है। नोट लिखना है, उस सब में आपको जोड़ जोड़ के लिखना है, उसी तरह से टेक्स्ट जो व्हाट्सएप SMS लिखते हैं सेम उसी तरह से आपको पढ़ के लिखना है। हिंदी पढ़ के जाइए, वहाँ पे इंग्लिश में ABCD का वर्ड लिखिए, लेकिन पढ़ेंगे तो हिंदी का प्रोनाउंसेशन आएगा, उस कुछ इस टाइप से लिख दीजिए, और जहाँ पे आपको इंग्लिश में आता है उसको, उस वर्ड को इंग्लिश लिखिए, ठीक है। इस तरह से आप एग्ज़ाम को दीजिए, अब कोई उपाय नहीं है, ग्रेजुएशन आप बिना पढ़े पास नहीं हो सकते हैं, मैट्रिक में जिस तरह पढ़ते थे दोस्तों, अब ग्रेजुएशन में उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ ये गलती किया है, मतलब मेरी नज़र में तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आदमी मान लीजिए कोई हिंदी ऑनर्स लिया है, क्यों लिया है भाई, वह नहीं सकता तभी ना हिंदी लिया है यार, ठीक है। अगर वह सकता उतना अच्छा से मैथ वगैरह इंग्लिश वगैरह, तो वह IIT नहीं कर लेता, चाहे या फिर मतलब कोई अच्छा कोर्स कर लेता, MBBS वगैरह बन जाता, ठीक, कोई मेडिकल कोर्स कर लेता, डिप्लोमा कर लेता, BTech कर लेता, नहीं, ये चुना BA, क्यों, क्योंकि आसान है, लेकिन अब BA को भी आसान नहीं रहने दिया गया दोस्तों, अब BA वही कर पाएगा जो बहुत मतलब 10 की तरह मेहनत करना होगा, मैट्रिक या इंटर की तरह, ठीक है, समझ गए, कंपलसरी है, मैथ का भी पेपर कंपलसरी है। चलिए जो भी हो आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, मैंने आपको बता दिया जो भी चीज़ें हैं, थैंक यू, बाय। एक चीज़ है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कल, ठीक है, तो इस नंबर पे हमें जो है अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कीजिएगा, 89 86 60 75 41, देखिए अंत तक रहे हैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, और इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से हम आपको आंसर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और आने वाले जो जूनियर कैंडिडेट हैं आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाए उनका, ठीक है। आप लोग जो एग्ज़ाम लिखेंगे उनका क्वेश्चन पेपर, जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ आपके सीनियर का क्वेश्चन, उसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है इस नंबर पे, आपका क्वेश्चन पेपर आंसर भी बता दूंगा और पिछले वालों को हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका कोई दिक्कत हो ग्रेजुएशन में, किसी प्रकार की समस्या हो जो आपको नहीं मिल पा रहा है उसका आंसर, क्वेश्चन कीजिएगा, अगर हमारे पास उसका आंसर होगा तो हम आपको आंसर भी बता देंगे, ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। क्वेश्चन एग्जाम के बाद भेज दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बाय।